हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज एक्चुअली संडे है। पोलू बहुत दिन से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि पापा इंडिया में, तो मतलब मेरे पास में साइकिल थी और मैं उसको खूब एंजॉय करता था चलाते हुए, बट यहाँ कनाडा में आने के बाद में मेरे पास साइकिल नहीं है। तो मेरा बहुत मन करता साइकिल चलाने का, तो मैंने इसको प्रॉमिस किया हुआ था कि चलो मई के मंथ में मैं तुमको दिलाऊंगा, क्योंकि तब स्प्रिंग स्टार्ट हो जाएगी है ना, और अच्छा खासा मौसम गर्म हो जाएगा, हम लोग उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। आज हम जाएंगे वॉलमार्ट और वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या पोलू के साइज के लिए इसके हिसाब से कोई हमको अच्छी साइकिल मिल सकती है क्या। अगर मिल गई तो हम आज लेके आएंगे। एंड गाइस, फिलहाल अभी मैं आया हूँ अभी यहाँ पर एक बार्बर के पास में हेयर कटिंग कराने के लिए। मैं और पोलू दोनों ही हेयर कटिंग कराएंगे। मैं डाउनटाउन के अंदर ही है मिस्टर बार्बर के नाम से। हम जब से अभी स्टार्ट किया है हेयर कटिंग कराना है, उन्हीं के पास में आते हैं। एक बार हेयर कटिंग के गाइस $35 लगते हैं एक पर्सन के। तो अभी दोनों लोग जा रहे हैं, तो हम दोनों का कुल मिलाकर $70 लगने वाला है। तो फटाफट चलते हैं, पहले कराते हैं हेयर कटिंग और उसके बाद जाएंगे वॉलमार्ट। तो गाइज, हेयर कटिंग तो डन हो गई है। अभी थोड़ा सा मतलब सिर पे हल्का हल्का लगना स्टार्ट हो गया, और पोलू भी रेडी हो गया अपना हेयर कटिंग करा के। अभी घर चल के फ्रेश होते हैं, लंच करते हैं और फिर निकलते हैं वॉलमार्ट साइकिल लेने के लिए। ये तो गाइस, हेयर कटिंग के बाद अभी हम लोग फ्रेश तो हो गए हैं और अभी लंच भी रेडी हो गया है। देखो लंच में अभी बनाया हम लोग के लिए, आज है राजमा और चावल। तो फटाफट अपना लंच फिनिश करते हैं और फिर रेडी होते हैं वॉलमार्ट जाने के लिए। सो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं वॉलमार्ट के लिए। अभी हम जा रहे हैं किंग्सवे मॉल के अंदर, जो वॉलमार्ट है एडवेंटर का सबसे बड़ा वॉलमार्ट है ये, जो किंग्सवे मॉल के अंदर है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। हमने पहले देखी है वहाँ पे साइकिल्स अवेलेबल हैं, बट ये चेक करना है कि हाँ पोलू के साइज के लिए हमें स्पेशल मिल जाएंगी नहीं मिल जाएंगी। तो अभी चलते हैं वहाँ पर और चेकआउट करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग बस स्टैंड पे पहुँच चुके हैं। ये देखो यहाँ पे 110X दिखा रहा है, जो ऑक्स क्लेयर्स पे जाने वाली है। सो गाइस, ये वाली बस ही अभी जाएगी जो हम लोग को वॉलमार्ट तक लेके जाने वाली है किंग्सवे मॉल के पास में। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर हैं डाउनटाउन के अंदर। ये वाली स्ट्रीट है 103 एवेन्यू, और इसके जस्ट आगे वाली अगर मैं इधर की साइड में जाऊँगा तो वहाँ पर फिर आएगी हमारी 104 एवेन्यू। 104 एवेन्यू के ऊपर ही गाइस रॉजर्स प्लेस स्टेडियम है, जहाँ पर अभी आइस हॉकी वाले मैच हो रहे हैं। गाइस, आप लोग को पता ही है कि अभी इस टाइम कितना ज़्यादा हाइप चल रहा है उस चीज़ का। राउंड 3 चल रहा है और उसके बाद में फाइनल रह रहा है स्टेनली कप का। तो हम तो भगवान से ये विश कर रहे हैं कि हमारी टीम यहाँ फाइनल में पहुँच जाए। गाइस, हम लोग वॉलमार्ट पहुँच चुके हैं और देखो बस से उतरते हैं ना अभी एकदम से हमने इतना सुंदर नज़ारा देखा है। यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रीज हैं जो बिल्कुल ना ब्लॉसम से लदे पड़े हैं बिल्कुल, और इतना प्यारा मतलब नज़ारा हो रहा है यहाँ पे गाइस, शानदार। गाइस, जैसे तो एडमिंटन के अंदर जो वेस्ट एडमिंटन मॉल है वो सबसे बड़ा मॉल है, बट उसके बाद में अगर बताऊँ तो ये वाला जो किंग्सवे मॉल है ना, यही सबसे बड़ा है भाई। इतनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, लगभग 3 लेवल्स हैं। नीचे एक है बेसमेंट पे और फिर ग्राउंड है, फिर इसके ऊपर भी है। मल्टीपल यहाँ शॉप्स हैं, बड़े से बड़ा ब्रांड कोई सा भी जो भी यहाँ कनाडा के अंदर चला सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो अगर आप एडमिंटन में हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम आ चुके हैं वॉलमार्ट, अब चलते हैं अंदर और पोलू के लिए यहाँ पे साइकिल एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, फाइनली आ गए हैं हम लोग अभी साइकिल वाले सेक्शन में, और यहाँ से अभी हमें देखना है कि पोलू के साइज के हिसाब से कौन सी साइकिल हम लोग को बेस्ट हो सकती है, और साथ में फिर उसके लिए यहाँ से हम लोग को हेलमेट वगैरह भी लेने हैं, और जो उसके साइकिल का लॉकर है वो भी लेना है, जिससे कहीं खड़ी करनी हो तो हम लॉक कर पाएँ। और साथ में हो सकता है हम लोग को ऐसे हवा भरने वगैरह भी कुछ लेना पड़ेगा। तो फटाफट देखते हैं कि कौन सी इसको यहाँ पे सूट हो सकती है। बहुत सारी है साइकिल तो वैसे। गाइस, पोलू तो इस वाली साइकिल को कह रहा है लेने के लिए। रेड कलर की है, मिक्स है उसमें ब्लैक और ब्लू भी। रेड कलर इसको ज़्यादा मतलब पसंद है, तो इस पर ज़्यादा दिमाग जा रहा है। इस सामने जो ग्रीन वाली, इसको इसकी मम्मी कह रही थी कि ये वाली ले लो। मुझे ये वाली अच्छी लगी मम्मा, क्या ये वाली ले सकता हूं? हां, ये सेम है। तो फाइनल कर दें इस वाली को, रेड वाली को। देखो इसमें मुझे लग रहा है कि जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से इसकी सीट ऊपर हो जाएगी। हाँ, हो जाती तो है। अभी तो पोलू के इस पे पाँव आ रहे हैं पूरे। हाँ, है ना। हाँ, तो मुझे लगता है हम लोग को ले लेनी चाहिए ये वाली। हाँ, ये वाली लेते। बताओ जल्दी बताओ क्या करना है फिर। हाँ, प्लीज ले लो ना। हाँ, चलो ठीक है फिर इसको फाइनल करते हैं। अभी देखते हैं इसके लिए हेलमेट और लॉक देखते हैं, और एक हम इसके लिए ना घंटी भी देख लेंगे। और ये गियर वाली साइकिल है गाइस, देखो
इसमें गियर्स भी हैं यहाँ पर, है ना। तो हम लोग के लिए तो पहली बार होगा कि हम गियर की साइकिल को ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे तो हम वो भी इसमें सीखेंगे मैनुअल से कि क्या इनके क्या मीनिंग है, तो वो सब दे रखा है तो उसको चल के एक्सप्लोर करेंगे। एंड गाइस जो इस पे प्राइस लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो शायद ये $158 की है, बाकी देखते नीचे चल के पता चलेगा काउंटर पे कितने की है। एंड गाइस देखो लॉक भी मिल गए यहाँ पे, तो मुझे वो वाला ये यहाँ पे कई तरह के लॉक हैं। ब्लैक वाले ले लो मीनू, नीचे है ना ये, ब्लैक वाले ले लो। चलो ब्लैक वाला लॉक ले लिया। हेलमेट देख लो, हेलमेट यहाँ पर भी है और इधर भी है हेलमेट, देखो कौन सा अच्छा लग रहा है। गाइस देखो इसके तो साइकिल के कलर के बिल्कुल एकदम मैचिंग का वो भी मिल गया हेलमेट भी। ज्यादातर मैंने देखा यहाँ पे ना इस तरीके वाले ही हेलमेट लगा के चलते हैं। एंड गाइस देखो ये काफी सारी बेल हैं यहाँ पे, तो इनमें से कोई सी एक लगानी पड़ेगी क्योंकि ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होती है। तो देखते हैं, ये वाली अच्छी लग रही है वैसे तो, $6.98 की है, यही ले लेते हैं। गाइस यहाँ पे तो काफी सारे ये साइकिल के जो हवा भरने वाले वो भी हैं, पंप भी हैं। इसमें देखो यहाँ पे तो ये भी दिखा रखा है कि कैसे इसमें कितनी ज्यादा हवा जा रही है, ये बिना उसके है। तो मैं तो ये वाला ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा हल्का भी है, अपना कैरी करना आसान होगा उसको, तो वो वाला ले लेते हैं। इसमें दूसरे और पिन्स भी हैं, अगर कभी किसी के पास फुटबॉल वगैरह हो तो उसमें भी मतलब हवा भर सकते हैं, ये रही अलग अलग पिन्स हैं उसमें, ठीक है। चलो ये ले लेते हैं फटाफट। सो गाइस फाइनली साइकिल लेके तो हम निकल चुके हैं वॉलमार्ट से, और देखो पोलू की खुशी तो भाई यार छिपाई नहीं छिप रही है, इतना मतलब इतना एक्साइटेड हो रहा है ये तो, फर्स्ट टाइम राइड के लिए अपनी और साइकिल लेकर के, वाह भाई कितनी बड़ी चीज मिल गई इसको आज। गियर की साइकिल है पोलू, मैंने भी नहीं चलाई कभी गियर की साइकिल, लास्ट पहली बार तुम चलाने जाओगे। तो थोड़ी बारिश ही हुई है पोलू, अगर देखो घर पहुंचते पहुंचते बारिश हुई तो आज नहीं चलाएंगे, बाद में चलाएंगे, ठीक है। ओके ठीक है गाइस, हम लोग आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पर जो यहाँ वॉलमार्ट के पास में है। एक्चुअली जो मेट्रो होती है उसके अंदर बाइसिकल ले जाना अलाउड है, तो हम लोगों ने इसी को प्रेफर किया कि भाई इसी से चलते हैं और इसे लेके चलेंगे। चलो कार्ड लगा देते हैं पहले। गाइस ये बीच का हिस्सा है यहाँ पे मेट्रो में, यहाँ पे लगा दिया हमने अपनी साइकिल को, उधर की साइड में वहाँ पे गेट है आने जाने के लिए, बीच का हिस्सा है बिल्कुल, यहीं पे लगा दिया। पोलू इतना ज़्यादा केयर कर रहा है भाई इसकी तो, है पोलू क्या बात, बहुत खुश है। गाइज हम लोग साइकिल लेके घर तो पहुंच गए हैं, हमारा प्लान था कि हम लोग अभी बाहर भी जाएंगे और उसको चलाएंगे, बारिश रुकी तो देखेंगे, अभी टाइम है काफ़ी, अभी हार्डली मतलब 7 बजे होंगे तो टाइम तो है, अगर बारिश रुकी तो जाएंगे, नहीं तो फिर अगले वाले वीकेंड पे जाएंगे हम लोग पोलू के साथ खेलने के लिए। गाइज जैसे आज हम लोग ना ये गियर वाली साइकिल लेके आए हैं तो पोलू ने एक चीज़ नोटिस की कि पहली चीज़ तो हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ कि हमने गियर वाली साइकिल पहली बार खरीदी है, फिर मेट्रो से आए तो मेट्रो में हुआ कि हमने पहली बार हमने मेट्रो के अंदर बाइसिकल रखी, और आज थर्ड चीज जो फर्स्ट टाइम होने जा रही है लिफ्ट में हम पहली बार साइकिल अंदर एंटर करने वाले हैं। गाइज अभी तक नहीं किया, थोड़ा सा मतलब नर्वस है कि कैसे एंटर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वहां अंदर से फिट हो पाएगी नहीं, पर चलते हैं अंदर और देखते हैं कि फिट होती है नहीं। अरे बढ़िया आसानी से आ गई है तो, यार जैसे मैं लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगी ऐसे तो हुआ नहीं, तो पूरा स्पेस है, तो साइकिल को मूव करने का स्पेस भी है काफी इसमें। वाह फर्स्ट टाइम एंट्री पोलू की साइकिल की अपने घर के अंदर, कांग्रेचुलेशन पोलू, ये। सो गाइस हमने अभी तो पोलू की साइकिल यहाँ पे लगा दी है, ये बिल्कुल हमारे जो गेट है मेन एंट्रेंस उसी के पास में लगाई है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि टायर वगैरह थोड़े गंदे हो जाते हैं, अभी हम बाहर से आए हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो टायर भी हल्के से गंदे हो रहे थे, अंदर लेके जाएंगे पूरा ये वुडन का फ्लोर है तो अंदर गीला हो जाता गंदा हो जाता, तो इसलिए यहीं बिल्कुल साइड में लगा दिया है अभी तो। हालांकि थोड़ा सा मतलब है कि एडजस्टमेंट मतलब मुश्किल सी है, पर अभी के लिए तो इससे अच्छा में जगह नहीं लगी तो फिलहाल तो यहाँ खड़ी कर दिया। गाइज अभी घर पहुंचने के बाद में मीनाक्षी लगी है कुछ यहाँ पे कुकिंग करने में, लग रहा है कुछ स्पेशल सा है, क्या चीज बन रही है? सूजी सांभर वड़ा। सूजी सांभर वड़ा, अच्छा वड़ा भी है सांभर भी है सारी चीजें, सांभर कहाँ है इसमें यार? नाम है इसका बस, जैसे सांभर वड़ा बोलते हैं ना। अच्छा उसका बनता है दाल का। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो सांभर वड़ा तो वो इसलिए होता है ना क्योंकि उसमें सांभर डलती है, इसमें सांभर डलेगी? ये सूजी का है, कोई से भी चटनी सांभर से भी खा सकते हैं अगर बनाओ। अच्छा तो अभी तो फिलहाल मतलब ये सूजी वड़ा है तो, है ना, क्योंकि हम लोग इसको सांभर नहीं बनाए हैं साथ में, है ना, स्नैक्स हो गया बस एक। अच्छा अच्छा तो इसको हम चटनी से खाएंगे फिर क्या? सॉस चटनी वगैरह किसी चीज से खा सकते हैं। ओके गाइस अभी हम लोगों ने सूजी के ओरे ट्राई करे, मेरे को तो बहुत ज्यादा मस्त लगे, मतलब मैं तो बार बार खा रही हूँ, मेरे को तो बहुत ज्यादा अमेजिंग स्नैक लगा है। गाइस पेरेंट्स के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि उनके बच्चों को कोई जरूरत है
और वो उनको वो चीज उस टाइम पे दिलाएं जिससे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो वैसे ही पोलू का जैसे मतलब अभी साइकिल की जरूरत थी, इंडिया में वो चला रहा था साइकिल वहां पर, बट यहाँ कनाडा में आने के बाद 1.5 साल से अभी तक साइकिल उसने चलाई नहीं थी, तो आज साइकिल पा करके वो बहुत ज्यादा खुश हुआ है गाइस। हालांकि आज बारिश हो रही थी तो हम उस वजह से चलाने जा नहीं पाए, तो घर में ही अभी रखी हुई है, बट जैसे वीकेंड अभी आएगा आगे और वहां पर अगर कंडीशन अलाउड करेंगी फिर हम जाएंगे और चलाएंगे साइकिल को साथ में। एंड गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना जिससे आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, टेक केयर।